मिथकोबाल इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल, असील का कसूर नहीं होता, मुर्ख का पता मैदान में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल लतीफ़ और आप लोग देख रहे हो बीजे असील। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके शौक को सलामत रखे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जो दोस्त हजरात लड़ाई के लिए मुर्गे तैयार करते हैं तो मिथकोबाल इंजेक्शन के लगाने में वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ मिथकोबाल इंजेक्शन का सही इस्तेमाल के बारे में। अब दोस्तों बहुत से हमारे न्यू शौकीन जो है वो जब मुर्गा लड़ाने के लिए तैयार है तो वो इसको मिथकोबाल इंजेक्शन लगाते हैं और मिथकोबाल इंजेक्शन लगाने में वह बहुत से गलतियां करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इसका सही इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल बीजे असील पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में एक प्यारे से कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाना है। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम जाए के बगैर चलते हैं अपने असील का पता मैदान में चलता है। सिर्फ असील का पता नहीं चलता, उसमें मालिक के तैयारी और उस्ताद के उस्तादी का भी पता चलता है। असील ऐसे नहीं मैदान चले जाते, पंजरे से निकाला चल भाई असील है मैदान में ले जाओ। मुर्गा अपनी खून के ऊपर लड़ेगा तो सही, उनकी तैयारी में चीज़ें भी फर्क करता है और हर बंदा मुर्ग को मायार पे तैयार भी नहीं कर सकता। जोड़ करने के दौरान भी गलतियाँ होती है, अपना अच्छा मुर्गा शापर में डाल के ले आते हैं तो इसमें असील का कसूर नहीं होता। गेम के हिसाब से मुर्गे के सब चीज़ें एडजस्ट करनी, फिट करना, जोड़ और खेल के सिलेक्शन, ये सब मालिक और उस्ताद की जिम्मेदारी है। अगर मुर्गा तैयार नहीं है तो उसको घर में ही रखना चाहिए, ऐसे असील साबित करने की कोई ज़रूरत। दोस्तों इस तरीके से आज बहुत से हमारे नए शौकीन हजरात जो है वो मुर्ग के तैयारी में, जो लड़ाई के लिए जो मुर्ग तैयार करते हैं उसके तैयारी में वो बहुत से मिस्टेक करते हैं मिथकोबाल इंजेक्शन लगाने में। बाल इंजेक्शन है, अक्सर दोस्त तैयारी में मुर्गे को पूरा इंजेक्शन लगा देता है जिससे मुर्गा बिगड़ जाए। आप तैयारी वाले मुर्गे को हर 3 दिन बाद 2 ml लगाए तो ये इंजेक्शन 12 से 15 दिन बाद ख़त्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता परिंदे के जिस्म में जज़ब हो जाएगा जिससे मुर्ग पे साइड इफ़ेक्ट भी से महफूज रहेगा और मुर्ग अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बहुत से दोस्त गलत तरीके से या तो इसको सारे इंजेक्शन लगाते थे जिससे उसका मुर्ग जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप ये इंजेक्शन इस तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ऐसे से आपका मुर्ग में काफ़ी फ़र्क जो है आपको मालूम हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारे से कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाना है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।